दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आपका 6-7-8 तारीख को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको डेली के डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, और सारे क्वेश्चन के आंसर हो सके तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्स पोलियो। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? कोट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा। पहला देखिए सेवा सदन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गबन, और तीसरा हो जाएगा आपका रंग भूमि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन डी, आयरलैंड। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला है, शक संवत कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 78 ईस्वी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला है, बंग बंधु के उपनाम से जाने जाते थे? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर्रहमान। ओके, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फेट अयस्क नहीं है? ऑप्शन सी, जिप्सम। अगला, हृदय का काम क्या होता है? तो दोस्तों देखिए हृदय का काम होता है ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, क्यों? तो ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है? तो ऑप्शन सी, वृक्काणु या कह सकते हैं नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रियन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला है, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। अगला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन बी, टोटल 12। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अगला है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे हुआ था? ऑप्शन बी, 1966 के अकाल के बाद। अपने देश में सबसे बड़ा उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए, रेलवे। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी, वर्ष 1985 में। अगला है, डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? ऑप्शन बी, ध्वनि जिसको कहते हैं साउंड। अगला है, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने लगता है, गिरने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, आंधी तूफान। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण।
खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मार्च को। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन डी बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है मारवाड़ का हो जाएगा प्रतिहार, मेवाड़ का हो जाएगा आपका गुहिल, आमेर का हो जाएगा आपका कछवाहा। अगला है मुगल सेना से बचकर महाराणा प्रताप निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? ऑप्शन बी छाछन की पहाड़ियों में। इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन सी जैत सिंह। अगला है डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? तो ऑप्शन सी उदयपुर राज्य। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है अपने चरम सीमा पर थी? ऑप्शन सी राजा नागरी दास। अगला है बालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी गरासिया। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी बगरू। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन बी मीणा। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ऑप्शन सी जाम्बोजी। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? ऑप्शन ए सत्य बोलने की। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं? ऑप्शन ए विभिन्न परिवारों की वंशावली पर अभिलेख रखना। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन बी कोटा। पोखरण निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। अंता प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग में। मुनाबाव स्थित है तो किस कारण के लिए स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? ऑप्शन डी लगभग 2/3 भाग। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी राजस्थान। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों में है? ऑप्शन बी गंगानगर। हाड़ौती पठार की मिट्टी है? ऑप्शन डी मध्यम काली। अगला है बहन नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? ऑप्शन बी माही नदी। पन्नालाल बारूपाल लिप्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? ऑप्शन बी बीकानेर व नागौर। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य किसे आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है? ऑप्शन बी ग्रामीण जनसंख्या को। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी सवाई माधोपुर और धौलपुर। राजस्थान में जीवन धारा योजना है तो गाइस ऑप्शन सी सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है
तो ऑप्शन बी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग। अगला है राजस्थान का राज्यपाल, तो ऑप्शन बी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडावेश का निलंबन या कम कर सकता है। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1993 को। स्पेशल कंपोनेंट प्लान निम्न में से किसके विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के। मुख्य सचिव का दायित्व है होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब पहला है विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, और सी है मंत्रिमंडल के निर्णयों की सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन डी श्री टीकाराम पालीवाल। वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, ऑप्शन बी धौलपुर जैसलमेर में। राजस्थान में उत्पादित होने वाली मशरूम का 3/4 हिस्सा कौन सी किस्म का है, ऑप्शन ए बटन मशरूम। सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फसल है, तो ऑप्शन सी जौ। क्रभकों की स्थापना कब की गई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1980। डेजर्ट फॉरेस्टन रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर किस वर्ष काजरी किया गया, ऑप्शन ए वर्ष 1959। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकते हैं, ऑप्शन बी जैसलमेर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए जयपुर में। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, ऑप्शन ए जीर्ण माता। वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। उजली जेठवा मूम लदे निहा लदे बा रूपमती वाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं, ऑप्शन डी जोधपुर शैली। सवाई प्रताप सिंह ने शासन कब संभाला, ऑप्शन बी 1775। ब्रज कला के 11वीं व 12वीं शताब्दी के मूर्तिकला और स्थापत्य कला के भग्नावशेष बाड़मेर के निकट किस स्थान पर आज भी देखे जा सकते हैं, ऑप्शन ए किराड। भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फल निम्न में से किससे संबंधित है, ऑप्शन सी देव नारायण जी की फल। सूरदास एवं संकरिया नृत्य नाटक किस जाति से संबंधित है, ऑप्शन बी भवाई। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, ऑप्शन सी महाराव कोटा। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन बी मीणा। कौन सा युग्म सुमेलित है, ऑप्शन सी पिछवाइया नाथ द्वारा। टेराकोटा तथा मृण मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकार कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन बी मोलेला नाथ द्वारा। बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के पोषण का प्रमुख स्थान राजस्थान में कहाँ है, ऑप्शन ए नगरी। सुमेलित करना है कोट के माध्यम से, तो गाइस ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए माधव सागर बांध, ये हो जाएगा 4th से दौसा। फिर पन्ना लाल शाह तालाब, ये हो जाएगा 3rd से झुंझुनू। फिर अनूप सागर, ये हो जाएगा 2nd से बीकानेर। फिर बंद बरेठा, ये हो जाएगा भरतपुर। अगला है अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है, ऑप्शन बी उदयपुर अजमेर। राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रभाव का क्षेत्र है, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? ऑप्शन ए माही, लोनी, सोमबा, साबरमती। कौन सा अभयारण्य राजस्थान का मृग वन कहलाता है? ऑप्शन सी मछिया सफारी अभयारण्य। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब सिरोही, कोटा और झालावाड़। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरसले भाग में वर्षा का जल भर जाने से बनी अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को कहा जाता है? ऑप्शन ए रन। तो गाइस देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।